लोग कत्ल का नाम सुनकर कांपने लगते हैं, मगर कोई ऐसा भी था जिसने 200 लोगों को कत्ल करने की कन्फेशन की, और हैरत की बात यह है कि उनमें से कई जिंदा थे। 16 मई 1861 की रात इंग्लैंड के शहर न्यू हैम्पशायर में एक किसान के घर बच्चा पैदा हुआ। वो किसान मशहूर शराबी था और अपनी बीवी पर सख्त जुल्म करता था, और इसी जुल्म का सामना उस बच्चे को भी करना पड़ा। एक दफा स्कूल में क्लास के कुछ शरीर बच्चों ने उस बच्चे को हड्डियों के ढांचे के साथ कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बच्चा डरने की बजाय ढांचे में दिलचस्पी लेने लगा, और यूं शुरू हुआ ढांचों का खौफनाक सफर। और ये बच्चा था डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम्स, जो कि दुनिया के मशहूर 3 सीरियल किलर्स में से एक है। मौत और मुर्दों से दिलचस्पी की वजह से होम्स 1879 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मेडिसिन और सर्जरी पढ़ने लगा, जहां बाद में उसे कब्रों से लाशें चुराने के जुर्म में बर्खास्त कर दिया गया। अगस्त 1886 में होम्स पहली दफा शिकागो आया और एक अद्वियात फरोश औरत एलिजाबेथ मोल्टन की दुकान पर मुलाजिम हो गया, जिस दुकान को बाद में उसने खुद खरीद लिया। होम्स ने 1887 में एक बंगला तमीर करवाना शुरू किया और वहां अपना नया ड्रग स्टोर खोला, मगर आर्किटेक्ट्स और स्टील की रकम अदा ना होने की वजह से अटीना आयरन और स्टील कंपनी ने 1888 में इस पर केस कर दिया। 1892 के शुरू में होम्स ने इसी बंगले पर तीसरी मंजिल पर एक होटल बनाया। पुलिस के मुताबिक होम्स ने ये होटल सियाहों को कत्ल करने और उनके अजाब ऐसे के लिए बनाया था, लेकिन इसका कोई सबूत ना मिल सका। जबकि दूसरी तरफ अखबारात ने इस महल को मर्डर कासल कहना शुरू कर दिया और दावा किया कि इसमें गैस चैम्बर्स, टॉर्चर चैम्बर्स बनाए गए हैं, जहां लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। इस महल के अलावा होम्स के पास एक फैक्ट्री भी थी जिसमें वो लाशों को ले जाकर जलाता था। होम्स ने पहला कत्ल शिकागो आते हुए ट्रेन कंडक्टर का किया, मगर इसका पहला रजिस्टर्ड कत्ल था इसकी अपनी बीवी जूलिया स्मिथ का। जूलिया इसकी फार्मेसी पर नौकरी करती थी और इसकी लाश होम्स के उसी महल की बेसमेंट से मिली। इसी तरह होम्स ने 1899 में एक एमिलिन सिगरेट नामी अपनी सेक्रेटरी को कत्ल किया, जिसका ढांचा एक डॉक्टर एमजी चैपल के घर से मिला, जिसने बाद में बताया कि वो इससे पहले भी होम्स के लाए हुए कई ढांचे अपने घर में रख चुका है। इसी दौरान होम्स की दोस्ती एक पिट्जल नामी कारपेंटर से हो गई, जिसके साथ मिलकर इसने मजीद कई जुराम किए और पिट्जल को होम्स का साया कहा जाने लगा। पिट्जल ने होम्स के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और अपनी मौत का झूठा दावा कर दिया और एक इंश्योरेंस कंपनी से $10,000 हथियार लिए। मगर जब पिट्जल की बीवी को इसका इल्म हुआ तो उसने होम्स को जेल भेजने की धमकी दी। मजबूरन होम्स को इस पूरे खानदान को कत्ल करना पड़ा, जिसे पिट्जल किलिंग कहा जाता है। इस वक्त होम्स के कारनामे काफी हद तक आयां हो चुके थे और 1855 में पिट्जल्स की लाशें मिलने पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। होम्स ने जेल में 27 कत्ल कबूल किए, मगर इनमें से कई लोग बाद में जिंदा पाए गए। इस कन्फेशन के बाद होम्स को 7 मई 1896 की रात मोया मिन्सन्स जेल में फांसी दे दी गई और इसके बंगले को आग लगा दी गई। होम्स ने मरने से पहले ये दरख्वास्त की थी कि उसकी लाश को कंक्रीट के डब्बे में बंद करके 10 फुट जमीन के नीचे दफनाया जाए, क्योंकि उसे डर था उसी ही की तरह का कोई और उसकी लाश चुरा कर ले जाएगा। 2017 में इल्जामात सामने आए कि होम्स फांसी से बच निकला था और उसकी जगह किसी और को फांसी दी गई थी, लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर जैनेट मोंग की निगरानी में होम्स की कब्र दोबारा खोली गई। चूंकि होम्स को कंक्रीट के डब्बे में बंद किया गया था, लिहाजा उसका जिस्म बहुत अजीब तरीके से डिकम्पोज हुआ था। उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे और उसकी मूंछों पर भी कोई असर नहीं पड़ा था। दांतों से ये साबित हुआ कि ये लाश होम्स ही की है और उसे दोबारा दफना दिया गया, मगर होम्स कई खौफनाक कहानियों की शक्ल में आज भी जिंदा है।